दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी साइकिल की स्पीड कम है? तो ये वीडियो आपके लिए है। साइकिल में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से साइकिल की स्पीड कम रहती है, जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, साइकिल तो हम रोज ही चलाते हैं, पर हमेशा ऐसा लगता है कि साइकिल स्पीड कम है। तो ऐसे कंडीशन में आप घर में ही चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में स्पीड कम होने की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आप ब्रेक्स चेक करें। क्या होता है कि हम कितनी भी एफर्ट के साथ पैडल चलाते हैं पर स्पीड कम ही रहती है, क्योंकि रिम को ब्रेक्स घिस रहे होते हैं, कैलिपर ब्रेक हो या वी ब्रेक। तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्रेक सेटिंग कर सकते हैं, रिम और ब्रेक रबर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। ब्रेक रबर ना रिम को घिस रहा हो और ना ही रिम से ज़्यादा दूर हो, तो आप ये चेक कर सकते हैं। रही बात डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक में भी आप चेक कर सकते हैं कि डिस्क ब्रेक पैड को घिस तो नहीं रहा या फिर टेढ़ी तो नहीं हो गई। जिससे डिस्क ब्रेक पैड को घिस रही होती है तो आप डिस्क सीधा कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, साइकिल में हब होते हैं, हब में एक्सल होते हैं, एक्सल में हबकोन होते हैं, जिसे बेयरिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको साइकिल को उलट कर फ्रंट और रियर व्हील को घुमाना है। अगर दोनों ही व्हील आसानी से और ज़्यादा देर तक घूम रही है तो हब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जल्द ही व्हील घूमना बंद कर देते हैं तो हब एक्सल, बॉल्स और हबकोन चेक कर ले, कहीं बॉल्स खराब तो नहीं है या फिर हबकोन ज़्यादा टाइट तो नहीं है। हब एक्सल और बॉल्स ठीक है तो हबकोन थोड़ा लूज करें, ज़्यादा नहीं, वरना व्हील कुछ ज़्यादा ही हिलने लगेगी और बॉल्स भी गिर सकते हैं। तो हबकोन को ठीक से एडजस्ट करें, न ज़्यादा लूज न ज़्यादा टाइट। दोस्तों, साइकिल जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है और बारिश में भीग कर बॉटम ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैडल घुमाने में ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि बॉटम ज़्यादा टाइट तो नहीं चल रहा। अगर ज़्यादा टाइट है और आपको लगता है कि बॉटम की सर्विसिंग की ज़रूरत है, तो आप बॉटम खोलकर उसमें ग्रीस और बॉल्स बिठा सकते हैं। और अगर बॉटम एक्सेल और कप भी खराब हो चुके हैं तो आप बॉटम सेट ही चेंज कर सकते हैं। तो बॉटम सेट कैसे चेंज करें, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ब्रेक, बॉटम और हब एक्सेल चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप फिर व्हील और चेन चेक कर लें कि कहीं चेन ज़्यादा कड़क तो नहीं हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ साइकिल यूज़ करना जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कभी कभी चेन पर ऑयल भी डालना होता है। तो चेन ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी स्पीड में प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर फिरवेल भी आपने काफ़ी सालों से चेंज नहीं किया है और फिरवेल खराब हो चुका है तो आप फिरवेल भी चेंज कर सकते हैं। कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि रिम ज़्यादा टेढ़ी तो नहीं चल रही है जिससे ब्रेक्स घिस रहे हो, या फिर आपके साइकिल्स में स्टील मड़गड़ है तो ध्यान दें कहीं टायर मड़गड़ को घिस तो नहीं रहे। तो ये सब आप घर में ही चेक कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम तो मिल जाती है पर सॉल्यूशन नहीं आता तो आप किसी अच्छे साइकिल शॉप में जाकर साइकिल रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ वजह हो सकती है साइकिल स्पीड ना बढ़ने की। देखो यार, आपको सप्ताह में एक बार तो साइकिल मेंटेनेंस करना चाहिए। मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, कमेंट और वीडियो शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।